नमस्ते, वेलकम टू योगा करना। आज मैं आप लोगों को 5 आसना करके दिखाऊंगी। ये आसना रोज प्रैक्टिस करने से आपके जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा, पूरा बॉडी टोनिंग होगा, आपके बेली फैट जल्दी बर्न होगा और उसके साथ साथ लेडीज का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कमर में दर्द, वो काम ही नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा वीरभद्रासन। वीरभद्रासन करने के लिए आपको दोनों पैर को दोनों तरफ खोलना होता है। इसके बाद आपका जो राइट फीट है इसको टर्न करना है। तो इसमें आप लोग सोचेंगे कितना खोलेंगे, इसके लिए मेजरमेंट ले लीजिए। आपका जो हैंड है, रिस्ट एंड एंकल, ये दोनों सेम लाइन पे ले आए, ये मेजरमेंट कर लीजिए। फिर आप जब पोज में आ जाएंगे थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी यहाँ से मैं क्या करूँगी, जो राइट लेग है मेरा, राइट थाई है, इसको बेंड करेंगे और इसको देखिए मैं फिर से थोड़ा सा अपने सुविधा के लिए खोल दे। इसे बेंड करने के बाद बॉडी आपको स्ट्रेट रखिए, दोनों हाथ खोलिए, जो नीज को बेंड किया है आपने उस तरह आपको सर को घुमाना है। इस तरह से आपको 30 सेकेंड रुकना है, फिर धीरे धीरे समय को बढ़ाते हुए आप 1 मिनट तक रुकेंगे तो बहुत तेजी से आपका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाए। एंड देन चेंज द लेग, सेम सीक्वेंस। टर्न योर हेड टू द लेफ्ट साइड। ये आसन करने से आपका जो लेग मसल है, थाई मसल है, बहुत स्ट्रांग बनता है। आपका बॉडी का लोअर पार्ट बहुत स्ट्रांग बनता है और अपने आप को यंग रखने के लिए लोअर पार्ट, बॉडी का लोअर पार्ट स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। तो अब आते हैं हम लोग सेकेंड आसन में। मत्स्यांग आसन एक बहुत अच्छा आसन है, ट्विस्टिंग आसन बोला जाता है इसको। इसमें बॉडी ट्विस्ट करता है और इसके वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा नजर रहता है। डायबिटीज जिनको है उनके लिए बहुत अच्छा है। तो आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो डायबिटीज होने का चांसेस भी कम हो जाता है। इसके लिए कहते हैं राइट लेग को पहले बेंड करेंगे, जब आपका जो नीज है वहां तक, फिर इसको इस साइड पे ले आएंगे। एंड देन क्या करेंगे, आप अगर हो सके नीज में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस नीज को फोल्ड कर दीजिए, अगर प्रॉब्लम है तो इसको फोल्ड के कर दीजिए। तो इसको आगे ऊपर करिए, आपका जो बेली है अंदर की तरफ रखिए, अंदर आप इसको क्या करना है, जो लेग ऊपर की तरफ है ऑपोजिट हैंड को इस साइड पे ले आइए, ठीक है, इस साइड पे ले आए। आप इस तरह भी रख सकते हो, अगर पॉसिबल है तो आपको आप पैर भी पकड़ सकते हो। एंड धीरे धीरे पैर को बाद में पकड़ लीजिए, पहले इसको घुमा लीजिए, बॉडी को घुमा लीजिए एकदम, दोनों जो चेस्ट सॉरी शोल्डर है एक लाइन पे रखने की कोशिश करें। एंड देन इसको पकड़ लीजिए, आप हाथ को इस तरह से रख सकते हो, इस तरह से रख सकते हो। एंड देन थोड़ा अपोजिट साइड घूम लीजिए, इसको अभी सेम सीक्वेंस लेफ्ट लेग, इसको अपोजिट साइड ले आइए, इसको मैं फोल्ड करके दिखाऊंगी। आपका जो लेग है इसको फोल्ड कर लीजिए एंड देन इसको पुश करिए। आप अपोजिट हैंड को ले आना है, मैं पहले ही बताया, तो लेफ्ट लेग है तो राइट हैंड को रखना है। And then move, oh. And then up, okay. ये था मत्स्यांग। इसका बेनिफिट तो मैं बता चुकी हूं। अभी हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए आपको मैट के ऊपर लेटना है पेट के बल, तो इस तरह से लेट जाइए, ओके। लेटने के बाद आपको जो थुटनी है वो आपको मैट के ऊपर रखना है, दोनों हाथ को शोल्डर के ऊपर नहीं, जो आपका जो शोल्डर लाइन है उसके नीचे रखना है।
आपका जो दोनों पैर है उसको एक साथ रखना है। अगर आपका कमर में कोई भी इश्यूज है, कोई प्रॉब्लम है, थोड़ा पेन है, तो आप दोनों पैर को खोल लीजिए। अभी हम मैं दोनों पैर को एक साथ करके रख रही हूं, एंड देन यहां पे इनहेल करते हुए आप ऊपर निकल आइए। इसमें क्या है आप देखिए, और भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं करना है। हमारा जो नाभि है, नाभि के नीचे तक ऊपर उठाना है, उसके नाभि के जो ऊपर का हिस्सा है वो ऊपर की तरफ उठाना है, नाभि का नीचे का हिस्सा है उसको नीचे रखना है, नाभि से ऊपर हम नहीं उठेंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे कुछ देर तक रोकिए, आप सांस को होल्ड करके भी रख सकते हैं या तो नॉर्मल भी लीजिए। अंदर एक्सहेल करते हुए नीचे आइए, फिर माँ कर सकते। आप सभी को पता है भुजंगासन आपके बैक के लिए सबसे अच्छा है, सबसे बेहतरीन आसन है। तो इंडिया में लेडीज का ऑलमोस्ट 90-95% लेडीज का बैक प्रॉब्लम है, कमर में दर्द रहता है, तो सारे लेडीज को ये प्रैक्टिस करना चाहिए। अभी हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन आपका पेट के लिए, पेट की चर्बी के लिए, पेट के कोर मसल के लिए, आपके बैक के लिए, आपके थाई के लिए, आपके आर्म के लिए, आपके शोल्डर के लिए, सब चीज के लिए बहुत अच्छा है। आपका सारा ये जो मैंने पार्ट्स बताया सब स्ट्रांग रखता है और हमेशा के लिए अच्छा रखता है। नाउ दोनों पैर को बेंड करना है, दोनों पैर का जो एडी है यहां पे पकड़ लेना है, एंकल को पकड़ लिया, और फिर धीरे धीरे पहले आपको इस तरह जाना है, एंड देन इनहेल करते हुए आपको सामने के बॉडी और नीचे के बॉडी, मतलब अपर एंड लोअर बॉडी एक साथ उठाना है। तो चलिए करते हैं। सामने की तरफ देखिए, अब जहां तक उठा पाएंगे वहां तक उठिए, कोई इसमें रस नहीं। इसके बाद थोड़ी देर रुकने के बाद आप आगे पीछे भी कर सकते हो, इससे आपका पेट का बहुत अच्छे से मसाज हो जाएगा, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका जो पेट में जितना भी अंग है सब में अच्छे से मसाज मिल जाएगा, और फिर उसके बाद आप इस तरह भी अपने आप को थोड़ा सा घुमा सकते हो, इसमें पूरा बॉडी का आपका मसाज हो जाता है, पेट का डाइजेशन सिस्टम, पेट में जितना भी पार्ट्स है सब अंगों में मसाज हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है इस तरह से। और 30 सेकेंड रुकिए एंड होल्ड करिए, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाइए। एंड द लेग्स देन मकरासन। इसके बाद जो आप आसन किया है हम लोग अभी धनुरासन, उसके बाद काउंटर पोज एक बार जरूर कर लीजिए इस तरह से, कैट एंड काउ पोज इस तरह से रख के 3-4 बार अप, एक्सहेल डाउन, अप, एक्सहेल डाउन, इस तरह से 3-4 बार कर लीजिए, ये इसका काउंटर पोज है, तो बॉडी में कहीं पे भी आपका स्ट्रेस या टेंशन नहीं रहेगा। इसके बाद हम करेंगे प्लैंक पोज। प्लैंक पोज के लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाइए, पेट के बल लेटने के बाद आपको क्या करना है, दोनों हाथ को इस तरह से भी रख सकते हो, अब इस तरह से भी रख सकते हो, अपना पीछे का जो बॉडी है वो ऊपर की तरफ उठाना, इस तरह से आप अपना पूरा बॉडी को मैट से ऊपर उठा दीजिए, इस तरह नहीं रखना है, इस तरह से भी नहीं रखना है, पूरा बॉडी स्ट्रेट, आपको आगे नहीं जाना है, इस तरह से पीछे आना है, एंड देन इस पोजिशन पे आपको 30 सेकेंड तक होल्ड करना है, आप काउंट करिए 30 सेकेंड, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ते जाइए, एंड धीरे धीरे इसके बाद नीचे आ जाइए, रिलैक्स।
ये आसन आप रोज प्रैक्टिस करिए, रोज प्रैक्टिस करने से अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेगा और इसके बगैर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा आप अनुलोम विलोम कपालभाति कर लीजिए, पूरा आपका दिन का जितना भी एनर्जी चाहिए सारा कुछ इससे आपको मिल जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट्स करके बताइए। आप लोग कमेंट्स करेंगे तो वीडियो बनाने में भी मन लगेगा और मुझे भी सोचने के लिए आप लोग मजबूर करेंगे कि आप लोगों के लिए मैं क्या अच्छे दे सकती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।